चलिए लेट्स स्टार्ट विद द न्यू चैप्टर सॉइल। थोड़ा सा कैमरा एडजस्ट कर लेते हैं। राइट नाउ लेट्स डू व्हाट आर द वेरियस यूजेस ऑफ द सॉइल। क्या क्या यूजेस होते हैं सॉइल के? एनी कार्तिक विजन योर क्लास? नो। Uses or importance of soil. Yes, beta. Firstly, this is the topmost layer of the earth crust, right? सबसे ऊपर वाली layer होती है. This is the topmost layer of earth crust, right? So now. The uses are, it is the home for many microorganisms like, हाँ जी कौन कौन से? Earthworm, rats, snakes. और बेटा राइट नेक्स्ट इज स्टोरिंग वाटर। वेरी गुड, इट इज असेंशियल फॉर ग्रोइंग प्लांट्स। Next, it is also essential for agriculture purposes, right? So soil plays important role in agricultural purposes to grow crops. Hanji, yes, beta, next point. वो भी इंक्लूड कर सकते हैं। इट हेल्प्स इन दी, इट हेल्प्स टू रिचार्ज ग्राउंड वाटर थ्रू थ्रू इनफिल्ट्रेशन। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आप मिस कर रहे हो। और कौन सा पॉइंट रह गया बेटा? हाँ जी व्हाट नेक्स्ट? एंकरेज मीन सपोर्ट, राइट? तो इसको रब कर दो बेटा। सो इट प्रोवाइड्स सपोर्ट टू द प्लांट्स बाय होल्डिंग इट और बाय होल्डिंग इट्स रूट्स राइट जो उसकी रूट होती है वो सॉइल में होती है ना अच्छे से राइट। हाँ जी व्हाट नेक्स्ट? इट हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर मिनरल्स राइट to the plant, right? तो हम soil में पानी डालते हैं ना तो सारा जो है वो कहाँ पर जाता है? प्लांट की बॉडी में जाता है, राइट? क्लियर बेटा? नाउ नेक्स्ट राइट डाउन फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, ओके बेटा। सो सॉइल इज वेरी इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स दैट आर हैविंग दीज यूजेस, ओके? डन बेटा?
ओके, नेक्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ सॉइल. वेरी गुड. सो इट इज अ वेरी स्लो एंड स्टेप वाइज प्रोसेस. So that means formation of soil, it will take millions of years. Okay, so how it is formed? Stepwise means dheere dheere dheere, right? Stepwise, pehle ek step, phir dusra, phir teesra, right? So that is called stepwise. How it is formed? By, so this is by the withering of लार्ज रॉक पार्टिकल. तो जो बड़े बड़े रॉक के पीसेस होते हैं, राइट, दे विदर. विदर मीन वीक होते हैं, देन वो टूट जाते हैं. ओके, सो द लार्ज रॉक पार्टिकल्स दे गेट विदर, धीरे धीरे वे वीक होने शुरू हो जाते हैं, एंड देन फाइनली दे गेट ब्रोकन डाउन इन टू स्मॉलर पीसेस, राइट. बट द क्वेश्चन इज हाउ दे विदर, ठीक है, वो कैसे वीक होते हैं और ये कैसे पीसेस में ब्रेक करते हैं. दैट मीन्स देयर आर वेरियस एजेंट्स दैट डू दिस विदरिंग प्रोसेस. सो दिस इज सन्स हीट, विंड, वाटर और रेन, टेम्परेचर, राइट, टेम्परेचर को आप क्लाइमेटिक कंडीशंस में भी इंक्लूड कर सकते हो. टेम्परेचर, रेनफॉल, दे कम अंडर द कैटेगरी ऑफ, राइट, क्लाइमेटिक कंडीशन. ओके, एंड द नेक्स्ट इज वॉल्केनिक इरप्शन, राइट. वॉल्केनिक इरप्शन में भी जो आपके लार्ज रॉक पीसेज हैं, दे गेट विदर. ठीक है बेटा, सो द फर्स्ट थिंग वी हैव स्टडीड दैट द सॉइल इज फॉर्म फ्रॉम द लार्ज पार्टिकल्स, रॉक पार्टिकल्स, राइट. व्हाट नेक्स्ट, और किससे बनी होती है? ह्यूमस, राइट. सो दैट मीन्स the composition of soil is by rock particles and humus. Now the question is, what is humus? The See, when plants and animals they die, you know, bacterias or microorganisms they act on it. तो वो उसमें उसको एक soluble form में convert कर देते हैं, जो किसमें जाती है? Soil में, right? So this dead, rotten part of plants and animals, the dead organic matter of plants and animals, it forms humus. Okay? So what is humus? The rotten part of dead and decaying, the rotten matter, not part, the rotten matter of dead and decaying plants and animals is humus. Or you can also include the rotten organic matter bhi hum likh sakte hain. क्योंकि ये ऑर्गेनिक है ना, हमने कुछ पेस्टिसाइड उसमें इंक्लूड नहीं किए हैं. ओके, सो दिस इज द ऑर्गेनिक पार्ट. ओके, सो योर सॉइल इट इज फॉर्म फ्रॉम द रॉक पार्टिकल्स एंड प्लस द ह्यूमस, राइट. नाउ दिस ह्यूमस इज गोइंग टू प्रोवाइड ऑल द न्यूट्रिएंट्स टू द सॉइल, क्योंकि रॉक तो करेगा नहीं, ठीक है. तो जो भी न्यूट्रिएंट्स सॉइल को प्रोवाइड किए जाएंगे, इट इज बाय द
ओके सो नेक्स्ट राइट डाउन कॉम्पोनेंट्स ऑफ सॉरी कॉम्पोजिशन ऑफ सॉइल कॉम्पोजिशन ऑफ सॉइल ओके सो हाउ वी आर गोइंग टू सी द कॉम्पोजिशन ऑफ सॉइल कि सॉइल किस किस की बनी है अब रॉक पार्टिकल्स में कौन कौन से रॉक हैं ठीक है तो अब हम वो स्टडी करेंगे सो इन द कॉम्पोजिशन ऑफ सॉइल व्हाट यू हैव टू टेक इज यू हैव टू टेक अ हैंडफुल ऑफ सॉइल ठीक है एक हाथ भर के सॉइल ले लेनी है और उसको आपने किस में डालना है बीकर में दैट कंटेन्स वाटर राइट ऐसे ले लो सो यहाँ पर आपका वाटर आ जाएगा इमेजिन मैंने वाटर इसमें डाला हुआ है ठीक है क्योंकि मैंने लेयर्स शो करनी है तो मैं वहां पे वाटर नहीं शो करूँ ओके तो जब आप उसको सॉइल में यहाँ पे डाल दोगे आफ्टर सम टाइम व्हाट यू विल सी डिफरेंट लेयर्स ऑफ सॉइल सबसे नीचे कौन सी लेयर होगी ग्रेवल्स लार्ज रॉक पार्टिकल्स बड़े बड़े ओके सो दे विल फॉर्म द ग्रेवल ओके सो आफ्टर ग्रेवल देयर इज सैंड इसको सबको डिफरेंट डिफरेंट कलर से शो करते हैं Let's suppose this is the sand here. Now, what is the next layer? Clay. Silt. Silt are also the rock particles that are having the texture between the sand and the clay. Okay? So, here we are having silt. Next is clay. What next? Water. Very good. Nahi beta. Silt is in between the clay and the sand. Iska texture in dono ke beech ka hota hai. ठीक है हाँ जी बेटा हम ये सारे उसकी कॉम्पोजिशन ही पढ़ रहे हैं ओके एंड व्हाट इज द टॉप मोस्ट लेयर ह्यूमस इसको हमें थोड़ा सा डार्क शो करना पड़ेगा राइट क्योंकि इसका कलर थोड़ा डार्क होता है सो दिस इज द आप पेन के साथ पेन नहीं बेटा पेंसिल के साथ राइट पेंसिल के साथ आप डिफरेंट लेयर्स शो कर सकते हो हाँ आप शेडिंग कर लो ठीक है यू कैन डू शेडिंग लाइक दिस ओके वाटर आई हैव नॉट लेबल्ड ओके सो दीज आर द कॉम्पोजिशन ऑफ द सॉइल ओके सो सॉइल इज फॉर्म्ड फ्रॉम द ग्रेवल दैट फॉर्म अ बॉटम लेयर उससे टॉप वाली लेयर है सैंड देन इज सिल्ट देन क्ले एंड ह्यूमस ओके तो ह्यूमस सबसे ऊपर आएगा प्लस इट विल बी वेरी डार्क इन कलर ओके नाउ राइट डाउन द नेक्स्ट थिंग इज सॉइल प्रोफाइल नेक्स्ट इज सॉइल प्रोफाइल रब कर दूं बेटा ये बेटा उठाना चॉक्स थोड़े से उधर साइड पे रख लो ना जो बड़े बड़े वाले हैं नहीं तो गिर जाएंगे हाँ
कुछ बॉक्स नहीं है आपके पास मारने को? थोड़े उधर रख ले, बड़े बड़े सारे गिर जाएंगे मेरे यहाँ। ब्लू वाला भी ले जा। ओके, सो नेक्स्ट इज सॉइल प्रोफाइल, राइट? सॉइल प्रोफाइल, हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द डिफरेंट लेयर्स ऑफ द सॉइल। ओके, सो हैव यू सीन अ डग डिच? गड्ढा देखा है आपने कभी? उसमें आपको सारे उसकी सेक्शंस जो हैं, लेयर जो हैं, वो सेपरेटली नजर आती है ना, राइट? सो दीज वर्टिकल सेक्शन, दिस वर्टिकल सेक्शन ऑफ द सॉइल, ओके, द वर्टिकल सेक्शन ऑफ द वेरियस लेयर्स ऑफ सॉइल इज कॉल्ड सॉइल प्रोफाइल। ठीक है जी, तो ये हम जो वेरियस सेक्शंस देखते हैं वर्टिकल सेक्शन में, ऐसे देखना है हमने, ओके? तो इन सारे सेक्शंस को हम क्या कहते हैं? सॉइल प्रोफाइल। और जो डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स आती हैं उनको हम और क्या कह सकते हैं? हॉरिजन, व्हाट वी आल्सो कॉल्ड दैम, हॉरिजन। क्लियर? तो अब डायग्राम बना लेते हैं सॉइल प्रोफाइल का। डन बेटा, अब कर दूं? चलिए, लेट्स ड्रॉ द डायग्राम नाउ। यानी कि सॉइल प्रोफाइल में हम कौन कौन सी लेयर्स शो करने जा रहे हैं? देयर आर फोर लेयर्स और फोर हॉरिजन, राइट? The first is called topsoil or A horizon. The second, the lower part or the lower layer of the topsoil is known as B horizon, that is also called. The third is C horizon, that is also called substratum. Now next is the fourth. This is bedrock. Clear, beta? Parent rock. That contains non-porous rock salt, right? So यहाँ पर आपका water table बनेगा, क्योंकि यहाँ से जो आपका पानी है वो infiltration में नहीं जाएगा, तो इसी के ऊपर खड़ा हो जाएगा. That will be forming your ground. ठीक है बेटा, चलिए डायग्राम ड्रॉ करें। ओके, सो सबसे पहले हमने क्या करना है? वी हैव टू फॉर्म फोर लेयर्स। तो ऐसे करके हम फोर लेयर्स बना लेंगे। हियर दिस विल बी द फर्स्ट वन, दिस विल बी द सेकेंड, थर्ड एंड दी फोर्थ। ठीक है बेटा, चार लेयर हो गई हमारी। सो स्टार्टिंग फ्रॉम हियर, व्हाट वी कॉल दिस एज बेड रॉक दैट कंटेन्स नॉन पोरस रॉक। हाँ जी, क्लियर बेटा? ओके, इस पार्ट को हमने थोड़ा लाइट शेड करना है। ओके, बिकॉज दिस इज द सब सॉइल पार्ट एंड दिस इज लाइट इन कलर, क्योंकि इसमें ह्यूमस थोड़ा कम होता है।
ठीक है, मैं अभी आपको सारे इसके करेक्टरिस्टिक बताऊंगी। सो वी हैव टू शेड दिस पार्ट वेरी लाइट, ठीक है, एंड दिस पार्ट द अपर पार्ट दैट इज डार्क वन बिकॉज दिस इज वेरी रिच इन ह्यूमस, तो डार्क ब्राउन कलर का होता है ये, ब्राउन कलर का चॉप नहीं है मेरे पास, ओके राइट। तो यहाँ पे जो थोड़ा सा सैंड रॉ पार्टिकल्स का साइज कम होगा, मेकिंग स्मॉल प्लांट्स, राइट। तो जो स्मॉल प्लांट्स हैं उनकी जो रूट्स होती हैं वो इस पार्ट तक आती हैं, राइट। And the roots of the trees, right? That are quite big. उनकी जो roots हैं वो कहाँ तक जाती हैं? यहाँ, सब soil, ठीक है? Okay, so like this. So these are the four vertical section of the soil. ठीक है बेटा? So let's mark them. So this is the A horizon. That is also called as topsoil. Okay, this is called as B horizon. That is called subsoil. This is called substratum, and this is the D horizon that is called bedrock. Are you clear, beta? So this is soil profile. बेटा नो नीड ऑफ टाइपिंग, इतना इतना बड़ा क्यों टाइप कर रहे हो बेटा, ठीक है? हाँ जी, लाइट में करना क्योंकि इसमें ह्यूमस ज्यादा होता है, इसमें ह्यूमस कम होता है थोड़ा, ठीक है? तो ज्यादा ह्यूमस के कारण वो डार्क हो जाती है।